तो इसलिए उसकी मम्मी का थोड़ा बहुत चिंतित थी, और डॉक्टर भी थोड़ा उसकी मम्मी को बोल दिया कि थोड़ा क्रिटिकल स्टेज है। तो बहुत ही हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं उस लड़के के ट्रांसप्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे थ्रू से वो लोग वहाँ गए हैं, क्योंकि मैं बोली थी वहाँ जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो वो लोग ने मुझे देख कर, मुझे सब कुछ से मतलब मेरा रिपोर्ट, मेरा ऑफिस जाना आना देख कर, उस लोगों ने, उसकी मम्मी ने, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि उसके बेटे का ट्रांसप्लांट वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर सब लोग गए थे। तो जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं जिस दिन मैं गई थी उसी दिन उसका ट्रांसप्लांट डे था। तो बाद में मैं तो वहाँ पर 4-5 दिन थी, एडमिट थी। तो उसके बाद में जब उसका ट्रांसप्लांट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, है ना, उसके बाद में उसकी मम्मी आती थी मेरे पास मिलने के लिए। फिर देखते देखते बहुत ही ख़राब मुझे लगा कि कुछ कुछ न्यूज़ जिसको मम्मी ला के दे रही थी, मुझे बता रही थी कि उसके बेटे के साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये 100 में से 10-12 लोगों को होता है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब ट्रांसप्लांट पेशेंट के साथ नहीं होता है। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरा ट्रांसप्लांट इतना आराम से, मतलब मेरा ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो मेरा नेक्स्ट दिन ही मेरा जितना मेरा रिपोर्ट था सब नॉर्मल आ गया था। जैसे कि क्रिएटिनिन मेरा 0.9 आ गया था, मेरा यूरिन अच्छा से फ्लो होने लगा था, सब कुछ मेरा अच्छा हो गया था, सब कुछ। सिस्टर लोग भी बोले कि तुम्हारा भाई का किडनी बहुत ही एकदम एग्जैक्ट तुम्हारे साथ मैच हुआ, तुम्हारा किडनी एकदम मैच। सिस्टर लोग बहुत खुश हो गए थे कि तुम्हारा भाई का किडनी एकदम पूरा तुमको मैच हो गया है और तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल आ गया। इतना खुश मैं नहीं हुई जितना मैं सिस्टर लोग हो गई थी। वहाँ का जो नर्सेस लोग थी वो लोग बहुत खुश हो गई थी। तो सब लोग का ऐसे साथ नहीं होता है, सब लोगों का बॉडी अलग होता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट होते ही तुरंत सब कुछ ठीक हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन जो मैंने अपने आँखों से देखा है, जो ट्रांसप्लांट के बाद भी उस लड़के का 39.8 में था और उसका प्रेशर जो हाई बीपी, मतलब इतना हाई प्रेशर था उसका कि उसका प्रेशर कम नहीं हुआ, मतलब इतना प्रेशर, इतना क्रिएटिनिन सब बढ़ा हुआ था, और उसका यूरिन भी एकदम फ्लो होना बंद हो गया था। एक मतलब एक दिन तो शायद उसका 0 हो गया था परसेंटेज उसका यूरिन का। तो इस तरह उसकी मम्मी आके मुझे बताने लगी और रोने लगी। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैंने इसको ऐसा बोला था और आज ऐसा हुआ। फिर उसकी मम्मी ने जाके डॉक्टर से पूछा कि सर देखिए, उस दीदी जो मेरे साथ में अब मेरी मैं उससे जो बात करती हूँ, वो दीदी का ट्रांसप्लांट तो आप ही किए थे, उसका तो बहुत अच्छा नॉर्मल हुआ था। तो डॉक्टर बोले देखो ऐसा बात नहीं है, सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है। कोई कोई बॉडी क्या होता है, हम लोग का नया ऑर्गन होता है बॉडी में, है ना, नया ऑर्गन आता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऐसा होता है कि जब नया ऑर्गन जब किसी के बॉडी में डाला जाता है, तो वो नया ऑर्गन है ना, सबके बॉडी में तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ कुछ बॉडी में जाने से वो रिजेक्ट करने मांगता है, तो उसके लिए बहुत स्लोली उसका काम करने लगता है ना। जैसे कि मेरा तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, मेरा पूरा बॉडी एकदम अच्छा फंक्शन करने लगा तुरंत ही। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है, 100 में से 10-12 लोगों को ऐसा होता है, बहुत ही कम लोगों को ऐसा होता है कि मतलब इस तरह का मतलब ट्रांसप्लांट में एकदम आराम से सब कुछ हो जाता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मुझे बुरा लगा इसलिए कि उस लड़के का सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब ट्रांसप्लांट तो हो गया, सब कुछ अच्छा है। फिर लास्ट में उसको जानते हैं डॉक्टर लोग क्या बोले, उसको बायोप्सी किए। फिर लास्ट में डॉक्टर ने देखा कि उसका क्रिएटिनिन भी कम नहीं हो रहा है और उसका बीपी भी हाई है। तो लास्ट में डॉक्टर ने उसका बायोप्सी किया किडनी का, नेक्स्ट दिन ही किया किडनी का बायोप्सी। तो बायोप्सी के जब रिपोर्ट आया तो किडनी पूरा बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किडनी को। तो इस तरह का उसका जो यूरिन भी है बहुत स्लोली पास हो रहा, मतलब धीरे धीरे पास हो रहा, जैसा कि आउटकम होना चाहिए, जैसा कि हम लोग का यूरिन एकदम फ्लो होना चाहिए, लेकिन उस तरह उसका यूरिन फ्लो नहीं हो रहा। तो इसलिए उसकी मम्मी का थोड़ा बहुत चिंतित थी, और डॉक्टर भी थोड़ा उसकी मम्मी को बोल दिया कि थोड़ा क्रिटिकल स्टेज है। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे भी सुन के, जब उसकी मम्मी आके मेरे सामने रोने लगी, मुझे भी आँख में आंसू आ गया कि उस बच्चे को ऐसा क्यों किया भगवान। तो फिर लास्ट में अभी डॉक्टर ने उसका डायलिसिस शुरू कर दिए हैं। हाँ, डायलिसिस करने के बाद में भी अभी 39.5 में है, अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है। तो डॉक्टर बोले कि अगर देखता हूँ और 1-2 बार डायलिसिस करके, तो अगर नॉर्मल हो जाएगा तो और डायलिसिस नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आप फिर छोड़ देंगे घर। तो ऐसे मैं बोली उसको कि आप चिंता मत करो, क्योंकि वहाँ डॉक्टर लोग सब अभी तक वहाँ पर है, डॉक्टर के अंडर में है, डॉक्टर कुछ ना कुछ करके उसे नॉर्मल कर ही देंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, कि ट्रांसप्लांट के बाद
सब लोगों का क्रिएटिनिन कम नहीं होता है तुरंत, किसी किसी का होता है, किसी किसी का एकदम हम लोग जैसे नहीं होता है, सबका बॉडी एक जैसे नहीं होता है। जब भी कोई नया ऑर्गन जाता है ना, वो रिजेक्ट करने लगता है बॉडी उसको, इसलिए उसका फंक्शन भी उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो अभी देखते हैं डॉक्टर लोग क्या करते हैं। मैंने सुनी हूँ कि धीरे धीरे वो सब नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे डॉक्टर लोग सब नॉर्मल कर देते हैं, शायद कुछ और तरकीब लोग करेंगे ताकि उसका शायद उसका सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो मैं भी प्रेयर करती हूँ कि सब कुछ उसका नॉर्मल हो जाए और अच्छी तरह वापस अपना घर आ जाए। तो मुझे बहुत ही दुख लगा फ्रेंड्स। तो ऐसा ही है कि हम लोग का जो भी हम लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट कहीं कहीं पर थोड़ा क्रिटिकल स्टेज हो जाता है। तो आप लोग ऐसा मत डरिए, ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर लोगों के ऊपर हाथ है, सब डॉक्टर लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग जब आप एडमिट हुए तो बस ऊपर वाला और डॉक्टर लोग है ना, एक भगवान है एक डॉक्टर वाले लोग हैं, डॉक्टर लोग सब कुछ ठीक कर दे, जितना उन लोगों के पास जानकारी है, जिस तरह सभी लोगों को लोग ठीक करके ही भेजते हैं बस, और उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं वही सोचती हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा कभी किसी का ना हो, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि वो लोग अगर इतना मुश्किल से इतना पैसा खर्च करके सब कुछ करके अगर लास्ट में ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाता तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर बोले हैं कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी, और जो और उसको रखेंगे और डायलिसिस करेंगे तो उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। बट ऐसा ही होता है कि क्रिएटिनिन ट्रांसप्लांट के बाद भी कम नहीं होता किसी किसी का, तो इसमें डरने की बात नहीं है। किसी किसी का यूरिन भी नहीं होता, जैसे इस लड़का का भी यूरिन नहीं हुआ, बट अभी यूरिन उसका हो रहा है, अभी थोड़ा यूरिन उसके पास हो रहा है। उसकी मम्मी बोली थी मुझे मेरे आने के पहले, तो अभी यूरिन पास हो रहा है और उसको और डायलिसिस करेंगे तो शायद उसका और भी नॉर्मल में आ जाएगा। क्योंकि अभी जब डायलिसिस करने से उसका किडनी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उसको अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि अचानक वो भी काम कर नहीं सक रहे हैं ना। डायलिसिस इसलिए किया जाता है कि नया किडनी को थोड़ा आराम मिले उसको, मतलब एक करने के लिए बॉडी में सपोर्ट देता है उसको ताकि किडनी आराम से काम करे। डॉक्टर के पास जब तक है हम लोगों को कुछ नहीं होगा, ये विश्वास करके हम लोगों को वहाँ रहना है और अपना जो भी है हिम्मत रखना है, बस थोड़ा वेट करना है, जो भी डॉक्टर लोग करेंगे सब ठीक करके ही आप लोगों को भेजेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, घबराना मत, कभी ऐसा बात सुनकर, ऐसा होता है 100 में से 10-12 लोगों को होता है ना, 100 में से 10-12 लोगों को होता है, सबको नहीं होता है। तो आप अगर ट्रांसफर कराने जा रहे हो तो निश्चिंत कराने जाओ, कोई डर की बात नहीं है। बहुत कम लोगों को, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन बहुत अच्छा, उसके बाद भी बहुत सारा ऑपरेशन हुआ तो सबका सक्सेसफुल हुआ, सबका नॉर्मल हुआ, तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तो ऐसा कभी मत सोच के चलना, बस ऊपर वाले भगवान को याद करना और बाकी है डॉक्टर लोग, वो लोग पूरा अपना काम पूरा अच्छे से कर देंगे और अच्छे से आप लोगों को नॉर्मल होके घर भेजेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही उस बच्चे की जानकारी है। अभी तो आएंगे नहीं, अभी फ़िलहाल 2 महीने के बाद ही वहाँ से आएंगे, तो बाद में देखते हैं उसका रिपोर्ट क्या हुआ नहीं हुआ, फिर बताएंगे आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी डायलिसिस चल रहा है उसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।